Hi everybody, I'm back once again. Welcome to Chemistry Zone Digital. Students, as you can see over the board, this is our lecture number 5 from Surface Chemistry. और अब तक के previous 4 video lectures में, let me tell you quickly कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा. देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि this whole chapter has been divided into 3 sections and अब तक पहले शुरू के 3 video lectures में हम लोगों ने section 1 complete कर लिया था, which was all about adsorption. जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि adsorption is the deposition of any molecular species like liquid or gas over the surface of solid. हमने adsorption के cause, adsorption की applications and the types of adsorption सब discuss कर लिया था. In our previous video lecture, we started with the second section of this chapter, जिसमें मैंने आपको mixture and their types के बारे में बताया था. Previous video lecture में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मिक्सचर की एक क्लासिफिकेशन तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, विच वॉज बेस्ड अपॉन देयर कॉम्पोजिशन, जिसमें आप पढ़ते थे कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस. लेकिन इस चैप्टर में हमने जो मिक्सचर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, दैट वॉज नॉट एक्चुअली बेस्ड अपॉन देयर कॉम्पोजिशन, इनफैक्ट दैट वॉज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल साइज. जब भी कोई पार्टिकल आप किसी मीडियम के अंदर डिजोल्व करते हो, तो आफ्टर गेटिंग डिजोल्व वो पार्टिकल क्या साइज रेंज अटेन कर लेता है, उस बेसिस पे हमने देखा मिक्सचर्स 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशंस. ट्रू सॉल्यूशंस वो होमोजेनियस मिक्सचर थे जहां पे पार्टिकल का साइज 1000 पिकोमीटर से भी छोटा हो जाता है. सस्पेंशंस वो हेटरोजेनियस कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं जहां पे पार्टिकल का साइज 100000 पिकोमीटर से भी बड़ा होता है, इतना बड़ा कि दे कैन बी इवन विजुलाइज फ्रॉम आवर नेकेड आई. लेकिन इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करने वाले थे कोलोइड्स. कोलोइड्स भी हेटरोजीनियस इन नेचर होते हैं और कोलोइड्स उन मिक्सचर्स को कहते हैं जहां भी पार्टिकल का साइज 1000 पिकोमीटर से 100000 पिकोमीटर के बीच में होता है. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशंस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस करे थे. जैसे पहला डिफरेंस तो यही था पार्टिकल साइज. दूसरा डिफरेंस मैंने आपको एक डिफरेंस में हमने ये डिस्कस करा था कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है. तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं और बाकी दोनों कोलोइड्स एंड सस्पेंशन हेटरोजीनियस होते हैं. फिर एक डिफरेंस में हमने विजिबिलिटी चेक करी थी. कोलोइड्स में हमने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं करे जा सकते, लेकिन एटलीस्ट दे कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिमिलरली कोलोइड्स ने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट शो करी बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. जैसे कोलोइड्स एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट नहीं हो सकते, बट यू कैन सेपरेट देम यूजिंग एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर. मैंने आपको यह भी बता दिया था कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, बाय डिपिंग इट इन नाइट्रोसेल्यूलर सॉल्यूशन. इसके अलावा हम लोगों ने सेटलिंग नेचर भी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी से सेडिमेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें मीडियम से सेपरेट आउट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे फेस पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएं, तो आप हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. इसके अलावा हमने टिंडल इफेक्ट और ग्रानुलर मोशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी कोलोइड्स के ऊपर डिस्कस करी थी. आप ऐसे जिन भी व्यूअर्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जरूर देखें. स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम कोलोइड्स को डिटेल में पढ़ना कंटिन्यू करेंगे. ऑल्दो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कोलोइड्स, सस्पेंशंस और ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंसेस देखे, लेकिन इस चैप्टर में एक्चुअली हमें सिर्फ कोलोइड्स को ही डिटेल में पढ़ना है. वी आर नॉट सपोज टू स्टडी एनीथिंग अबाउट सस्पेंशंस और ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में, तो हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो अब हम कोलोइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट विद टुडे सेशन. माय नेम इज अंकुर गोयल एंड यू आर एट द राइट प्लेस इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर ब्रेन विद अ की टू सक्सेस इन केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ कोलोइड्स. कोलोइड्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनके पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो 1000 पिकोमीटर से 100000 पिकोमीटर के बीच में होती है. द पार्टिकल साइज लाइज विद इन दिस रेंज. अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस तरह से एक सॉल्यूशन में, इन अ ट्रू सॉल्यूशन, जो दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन्हें आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्लासिफाई करते हो. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. बिल्कुल उसी तरह से एक कोलोइड के अंदर जो दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना,
उन कंपोनेंट्स को रेदर देन क्लासिफाइंग एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जस्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मतलब इसका वही होता है, यहां पे भी आप कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू सॉल्यूट, जो आपने ऊपर से मिलाया पार्टिकल, जिन पार्टिकल के आप रेंज की बात कर रहे हो उन पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स को जिस मीडियम में मिलाया गया है वो मीडियम डिस्पर्शन मीडियम है। यह एक तरह से सॉल्वेंट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इस पूरे चैप्टर में जहां जहां हम कोलॉइडल मिक्सचर्स का एग्जाम्पल देंगे वहां पे हम उनके कंपोनेंट्स को सॉल्यूट और सॉल्वेंट रेफर नहीं करेंगे, हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम रेफर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ये देखते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम 9 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते थे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, आप अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हम कितने टाइप के कोलॉइड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज की क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ कोलॉइड्स। टाइप ऑफ कोलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हुए हम देखेंगे कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को क्या स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, और उन कॉम्बिनेशंस के कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ कोलॉइड्स का वो हम एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट अस ड्रॉ अ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स, जिसमें सबसे पहले कॉलम में डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो सॉल्यूट है, दूसरे कॉलम में डिस्पर्शन मीडियम, थर्ड कॉलम में नेम ऑफ कोलॉइड, नेम ऑफ कोलॉइड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, हर एक कॉम्बिनेशन को एक स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस नाम को सुनकर ही आपको सही एग्जांपल भी पता चलेगा। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, तो एक ऐसा हेट्रोजीनियस एग्जांपल जहां पे गैस को हमने लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड कर रखा है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं द गैस एंड लिक्विड कॉम्बिनेशन इज नोन एज फोम। अब आप फोम का कोई एग्जांपल इमेजिन करो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी एग्जांपल जो एक फोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे शेविंग फोम, शेविंग फोम हो गया वो फोम होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड। इसके अलावा आपने देखा होगा पार्टीज में स्प्रे करी जाती है, दैट इज स्नो स्प्रे, तो शेविंग फोम, स्नो स्प्रे, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। सिमिलरली गैस इन सॉलिड, अगर हमने किसी गैस को सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड कर रखा है हेट्रोजीनियसली, तो गैस इन सॉलिड कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सॉलिड फोम। एंड सॉलिड फोम का एक सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकते हैं प्यूमाइस स्टोन, अब हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स को प्यूमाइस स्टोन के बारे में ना मालूम हो। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आप रिलेट कर पाए। प्यूमाइस स्टोन इज बेसिकली यूज्ड एज अ स्क्रबर फॉर क्लीनिंग एंकल्स एंड एल्बोज, आप लोगों ने देखा होगा एक पत्थर होता है, खुरदुरा सा पत्थर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो उठाने में इट्स वेरी लाइटर, इट्स वेरी लाइट इन वेट, और वो एक स्क्रबर की तरह यूज कराया जाता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्टोन जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के अंदर एयर
dispersed होती है heterogeneously. So that's why that is an example of pumice stone. Hope you all understood कि मैं किस stone की बात कर रहा हूं. उसके बाद the next example is liquid and gas. जहां पे हमारा लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, गैस डिस्पर्शन मीडियम. लिक्विड एंड गैस कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है एरोसोल्स. जब भी कोई लिक्विड की छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर या गैस के अंदर स्कैटर्ड होती हैं, तो उन्हें एरोसोल्स बोलते हैं. एरोसोल्स का एक सिंपल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डिओडोरेंट्स. डिओडोरेंट्स और परफ्यूम में एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. परफ्यूम की अगर आपने कभी बॉटल देखी हो ना, कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल, तो बेसिकली उस बॉटल के अंदर एक लिक्विड ही भरा होता है, और जब हम स्प्रे करते हैं तो वही लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है. लेकिन डिओडोरेंट्स की बॉटल के अंदर लिक्विड नहीं भरा होता. डिओडोरेंट्स की बॉटल के अंदर हाई प्रेशर पे बेसिकली एक गैस के अंदर छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड स्कैटर्ड होती है, ठीक है. और जब हम स्प्रे करते हैं तो वही फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड बाहर निकल जाती हैं एयर. तो ये याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ अ परफ्यूमरी लिक्विड दैट हैव बीन स्कैटर्ड इन गैस, तो वो डिओडोरेंट बन जाता है. और ऐसे किसी भी लिक्विड एंड गैस कॉम्बिनेशन को एरोसोल कहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, लिक्विड इन लिक्विड. स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है. इस कॉम्बिनेशन के टाइप्स एंड एग्जांपल्स, इनके प्रिपरेशंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. याद रखिएगा, लिक्विड इन लिक्विड कॉम्बिनेशन जहां पे डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, इसके एग्जांपल्स को बोलते हैं, इसके नेम को बोलते हैं इमल्शंस. दे आर नेम्ड एज इमल्शंस. एंड इमल्शंस में एक एग्जांपल तो आप दे सकते हैं मिल्क. मिल्क एज एन इमल्शन. मिल्क में याद रखिएगा, मिल्क एज एन इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर. आपको पता है मिल्क के अंदर ऑयल होता है जो बेसिकली उसकी क्रीम होती है. जब आप मिल्क को चर्न करते हैं तो चर्न करने पे उसके अंदर की सारी क्रीम सेपरेट हो जाती है, और क्रीम बेसिकली ऑयल इन नेचर तो होती है. तो बेसिकली मिल्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इन वाटर. अब ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ऑयल इन वाटर का कॉम्बिनेशन लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया. इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत सारे पेंट्स भी इमल्शंस होते हैं, नैरोलैक इमल्शंस, ट्रैक्टर इमल्शंस. तो पेंट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड इन सॉलिड कॉम्बिनेशन को जेल्स कहते हैं. अब स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो जेल जैसी अपियरेंस होती हो, जैसे जैम, जेली, टूथपेस्ट. टूथपेस्ट भी जेल के फॉर्म में आते हैं. वो सब आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं. दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड लाइक जैम एंड जेली. इसके अलावा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट्स सॉलिड एंड लिक्विड कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं सोल्स. जहां पे हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में हेट्रोजीनियसली मिक्स करा हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्यूशंस नहीं कहते, सोल्स कहते. देखिए अगर आप शुगर इन वाटर, ये भी एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड का ही है, शुगर इन वाटर. लेकिन आपको पता है कि जब हम शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, वो कोलोइड का एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं और वो हेट्रोजीनियसली डिस्पर्स हो जाए तो उसे सोल कहते हैं. और इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं आप, स्टार्च इन वाटर. स्टार्च इन वाटर. सो दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी दो एग्जांपल्स और बचे हुए स्टूडेंट्स. सो लेट मी इरेज द फर्स्ट टू. यहां पे मैं दो कॉम्बिनेशंस और आपको बता देता हूं. ये था सॉलिड इन लिक्विड, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बचा हुआ है सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस. नाउ सॉलिड इन गैस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सॉलिड एरोसोल्स. जैसे लिक्विड इन गैस होता है एरोसोल, वैसे सॉलिड इन गैस होता है सॉलिड एरोसोल.
और सॉलिड एंड गैस का एक बड़ा सिंपल सा बट येट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्मोक। अब स्टूडेंट्स, डू यू ऑल नो कि व्हाट इज अ स्मोक? जिसे आप धुआं बोलते हो वो क्या होता है बेसिकली? स्मोक, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? क्या स्मोक का कोई फॉर्मूला भी होता है? तो देखिए, ऑल दो स्मोक का कोई फॉर्मूला नहीं होता बट स्मोक हैज अ कॉम्पोजिशन। स्मोक कंटेन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन एयर। जब आप किसी चीज का कंबशन करते हो तो कंबशन पे कार्बन के छोटे छोटे फाइन अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो सॉलिड इन नेचर होते हैं वो एयर में स्कैटर्ड हो जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, हेट्रोजीनियसली स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उससे स्मोक कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, दैट मीन सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल स्मोक। एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज सॉलिड इन सॉलिड। नाउ सॉलिड इन सॉलिड का नाम होता है सॉलिड जोन्स, और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास, स्टूडेंट्स आप लोगों ने ग्लास के ऑब्जेक्ट्स, ग्लास के विंडो पेन्स तो देखी है। मोस्टली जो आप ग्लास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ग्लास के जितने भी विंडो पेन्स, डोर्स देखते हैं, वो ज्यादातर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जो ग्लास का एक नेचुरल कलर होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स कलर्ड भी होते हैं। कुछ ब्लू कलर के ग्लासेस देखे होंगे, कुछ ग्रीन कलर के ग्लासेस, जैसे स्प्राइट और ड्यू की बॉटल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो कभी भी अगर आप कलर्ड ग्लास देख रहे हो तो द क्वेश्चन अराइज कि ग्लास में कलर कहां से आया। देखिए स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ग्लास में नेचुरली तो कोई कलर नहीं होता, नेचुरली ग्लास इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें ग्लास में कोई सपोज करो ब्लू कलर डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे, ग्लास को मेल्ट करेंगे और उस मोल्टन ग्लास के अंदर डी ब्लॉक का कोई सॉल्ट ऐड कर देंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जैसे कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ा था, CuSO4.5H2O ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। तो अगर हम ग्लास को मेल्ट करके उसके अंदर कॉपर का सॉल्ट ऐड कर दें ब्लू कलर का और फिर उस मिक्सचर को दोबारा से रैपिडली कूल करके सॉलिडिफाई कर लें तो वो एक ब्लू कलर का ग्लास बन जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर एक ब्लू कलर का सॉल्ट ऐड कर दिया। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्रोमियम के सॉल्ट्स पिंक कलर के होते हैं, आयरन में फेरस और फेरिक डिपेंडिंग अपॉन की क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन येलो कलर के सॉल्ट्स भी बनाता है, ग्रीन कलर के सॉल्ट्स भी बनाता है। तो अगर आपको येलो ग्लास या ग्रीन ग्लास बनाना है तो आप ग्लास को मेल्ट करके उसके अंदर आयरन के सॉल्ट्स ऐड कर दीजिए और फिर दोबारा से सॉलिडिफाई कर लीजिए। तो क्योंकि यहां पे आपने ग्लास को पहले मेल्ट करा, उसके अंदर डी ब्लॉक का कोई सॉल्ट ऐड करा और फिर दोबारा से सॉलिडिफाई करा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया सॉलिड इन सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड इन सॉलिड कॉम्बिनेशन को सॉलिड सोल्स कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल में द बेस्ट एग्जाम्पल इज कलर्ड ग्लास। स्टूडेंट्स आपने देखा, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हमने 8 टाइप के कोलोइड्स देखे, बट हैव यू नोटिस्ड कि यहां पे एक कॉम्बिनेशन मिसिंग है एंड दैट मिसिंग कॉम्बिनेशन इज गैस इन गैस। मैंने गैस इन गैस नहीं करवाया आपको, वो इसलिए क्योंकि गैस इन गैस इज ऑलवेज अ होमोजेनियस मिक्सचर। दो गैसेस कभी भी याद रखिएगा हेट्रोजीनियसली मिक्स नहीं होती। आप किसी भी गैस को किसी भी दूसरी गैस में मिक्स करोगे ना तो वो हमेशा होमोजीनियसली ही मिक्स होगी, इसलिए गैस इन गैस कॉम्बिनेशन ट्रू सॉल्यूशन में क्लासिफाई करे जाते हैं। गैस इन गैस का कोई कोलोइडल एग्जाम्पल नहीं होता। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ कोलोइड्स वाला टेबल, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, जिसमें हमने देखा कि 8 टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, कोलॉइड्स की 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन
the interaction between dispersed phase and dispersion medium. Based upon the interaction, yeah, based upon the affinity, based upon the attraction between dispersed phase and dispersion medium. इसके अंदर आपको दो टाइप के कोलॉइड्स करवाए जाएंगे. टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. एक होते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स. लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स. देखिए, लायो मींस सॉल्वेंट. लायो इज अ टर्म यूज फॉर सॉल्वेंट एंड फिलिक मीन्स लविंग. तो बेसिकली सॉल्वेंट लविंग. और यहां पे लायो इज अगेन सॉल्वेंट, फोबिक इज हेटिंग. बेसिकली सॉल्वेंट हेटिंग. तो ये सॉल्वेंट लविंग, ये सॉल्वेंट हेटिंग. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सॉल्वेंट लविंग एंड सॉल्वेंट हेटिंग. अब लेट मी टेल यू इन डिटेल कि इसका मतलब क्या है. बेसिकली लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, दिस इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द अट्रैक्शन, बेस्ड अपॉन द एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए. सपोज कीजिए आपको एक बीकर में वॉटर दिया जाता है, दूसरे बीकर में थोड़ा सा ऑयल दिया जाता है और आपसे कहा जाता है ऑयल को वॉटर में मिक्स करिए. तो यू ऑल माइट बी नोइंग कि अगर आप वॉटर के अंदर ऊपर से ऑयल डालोगे तो ऑयल मिक्स नहीं होगा, बिकॉज ऑयल डज नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर वॉटर. ऑयल इज नॉट एक्चुअली सॉल्युबल इन वॉटर. इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर आप पानी में ऊपर से ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल ऊपर ही वॉटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, पानी के ऊपर ही तैरने लगेगा. तो बेसिकली यहां पे हमारा मीडियम है वॉटर एंड द फेज इज ऑयल, बट दैट फेज इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व विद इन द मीडियम. तो हम कहेंगे हमारे फेज में और हमारे मीडियम में एक दूसरे के लिए एफिनिटी नहीं, ऑयल में वॉटर के लिए एफिनिटी नहीं है, वो मिक्स नहीं होना चाहिए. लेकिन क्या हम उन्हें फोर्सफुली मिक्स कर सकते हैं? अगर हम किसी भी तरह से ऐसी दो चीजों में जहां पे एफिनिटी नहीं है उन्हें भी हम मिक्स करवा दें, फोर्सफुली मिक्स करवा दें बाय यूजिंग सर्टेन स्टेबलाइजर, किसी तीसरे एजेंट की हेल्प से दो इनसॉल्युबल चीजों को भी मिक्स करवा दें, तो हम उन्हें कहेंगे लायोफोबिक कोलॉइड्स. लायोफोबिक कोलॉइड्स आर दोज विच आर एक्चुअली दे डज नॉट हैव एनी एफिनिटी बिटवीन फेज एंड मीडियम. यहां पे फेज और मीडियम में कोई एफिनिटी नहीं होती, नेचुरली तो कोई एफिनिटी नहीं होती. हाँ, वो एफिनिटी आप क्रिएट कर सकते हो बाय एडिंग सर्टेन स्टेबलाइजर, बाय एडिंग सर्टेन एजेंट. बट ऑन द अदर हैंड लायोफिलिक, जैसे कि मैंने बताया सॉल्वेंट लविंग, ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जहां पे फेज और मीडियम के बीच में पहले से ही एक नेचुरल एफिनिटी होती है. एंड दैट्स व्हाई जब आप मीडियम के अंदर फेज ऐड करेंगे तो फेज जस्ट बाय सिंपल स्टरिंग मिक्स हो जाएगा. आपको उसे मिक्स करने के लिए किसी एजेंट की, किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लायोफिलिक कोलॉइड का याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्च इन वॉटर. सबसे पहले मैं आपको बता दूं लायोफिलिक कोलॉइड, सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में ही सुन लीजिए. लायोफिलिक कोलॉइड्स वो होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. एफिनिटी मींस अट्रैक्शन दो चीजों के बीच में. सो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. लायोफिलिक कोलॉइड्स वो होती है जहां पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक एफिनिटी होती है. और आप जब भी फेस को मीडियम में मिलाएंगे, स्टेरिंग करेंगे, तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा. आपको उसे मिक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई एडिशनल एजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सो लायोफिलिक कोलॉइड्स आर द कोलॉइड्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. इनफैक्ट यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि अगर सपोज कीजिए आपने फेस को मीडियम में मिक्स कर दिया, वो पहले तो मिक्स हो गया, अब आप उस मिक्सचर में से किसी तरह से मीडियम को अलग करो, फेज और मीडियम को वापस अलग करो. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च इन वाटर कॉम्बिनेशन में से मैं थ्रू इवेपोरेशन सारा वाटर उड़ा देता हूं, सारा वाटर एस्केप आउट कर जाता है, स्टार्च बच जाता है, आपने फेज और मीडियम को अलग कर दिया. अब उसके बाद क्या होगा कि अगर आप बचे हुए स्टार्च में दोबारा से पानी मिलाओगे तो फिर मिक्स हो जाएगा. तो अगर आप किसी तरह से फेज और मीडियम को सेपरेट आउट कर भी देते हो तो उसके बाद उस फेज को दोबारा से मीडियम के अंदर बड़े आराम से मिक्स करा जा सकता है. Once they are separated,
they can be again reconstituted. ठीक है, तो that's why इन लायोफिलिक कोलॉइड्स को रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कहा जाता है. एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, why these are called reversible colloids? क्योंकि अगर आप यहां पे फेस और मीडियम को किसी तरह से सेपरेट कर देते, जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्च एंड वाटर कोलॉइड को इवेपोरेट करेंगे, ले रख दो और तब तक उसे इवेपोरेट करते रहो जब तक उसके अंदर का सारा वाटर उड़ नहीं जाता. अब जब सारा वाटर उड़ गया तो आपके पास सिर्फ फेस फेस बचेगा स्टार्च. अब इस स्टार्च में दोबारा से ऊपर से पानी मिला दो तो फिर से मिक्स हो जाएगा. तो स्टार्च और वाटर को आपने पहले अलग कर दिया, आप उसे दोबारा से डाइल्यूट कर दो तो फिर वो कोलॉइडल फॉर्म में आ जाएगा. तो वंस द फेस एंड मीडियम आर सेपरेटेड, दे कैन बी अगेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेरी इजीली विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, विदाउट एनी स्टेबिलाईजर. तो ऐसे कोलॉइड्स को रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कहा जाता है. रिवर्सिबल कोलॉइड्स, क्योंकि वो अपनी कोलॉइडल नेचर दोबारा अटेन कर लेते हैं. ऑन द अदर हैंड, लायोफोबिक कोलॉइड, एज आई टोल्ड यू, लायोफोबिक कोलॉइड्स बेसिकली स्टूडेंट्स वो होते हैं जहां पे फेज और मीडियम के बीच में पहले से कोई एफिनिटी नहीं होती. दे हैव नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. लायोफिलिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती. इनफैक्ट दैट एफिनिटी हैज टू बी डेवलप्ड बाय यूजिंग अ थर्ड एजेंट कॉल्ड स्टेबलाइजर. आपको यहां पे एक स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा, एक तीसरा एजेंट ऐड करना पड़ेगा जो फेज और मीडियम के बीच में एक एफिनिटी इंट्रोड्यूस करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे लेटर ऑन, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल ओरल एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर आप वाटर के अंदर ऑयल की फ्यू ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो आप देखेंगे वो मिक्स नहीं होगी, बिकॉज ऑयल डज नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर वाटर. ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगेगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑयल पानी में मिक्स हो जाए तो आप पीछे से डिटर्जेंट भी डाल दो, थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट डालिए. और जैसे ही आप सोप और डिटर्जेंट भी डालेंगे तो आप देखेंगे ये सोप या ये डिटर्जेंट एक स्टेबलाइजर का काम करेगा. इस सोप की प्रेजेंस में या इस डिटर्जेंट की प्रेजेंस में सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर मिक्सड हो जाएंगे और एक ऑयल एंड वाटर टाइप का कोलॉइड बन जाएगा. यही चीज आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में लेटर ऑन करवाई दी जाएगी. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में सोप एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजर, जो फैब्रिक में लगे हुए ऑयली डस्ट या ऑयली डर्ट को वाटर में मिक्स करने में हेल्प करता है और एक इमल्शन बना देता है. तो ये याद रखिएगा, लायोफोबिक कोलॉइड्स वो होते हैं जहां पे फेस और मीडियम के बीच में एफिनिटी नहीं होती, लेकिन आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी थर्ड सब्सटेंस के थ्रू वो एफिनिटी फोर्सफुली डेवलप कर देते हो. सो दोज आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड. अब ये याद रखिए, जिस तरह से हमने लायोफिलिक कोलॉइड को रिवर्सिबल कोलॉइड्स कहा, बिल्कुल उसी तरह से लायोफोबिक कोलॉइड्स इररिवर्सिबल होते हैं. यहां पे जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने फेस और मीडियम को एक बार मिक्स कर दिया, से ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दिया. अब उस ऑयल वाटर कॉम्बिनेशन को फिर से आपने इवेपोरेशन के लिए रखा, सो दैट सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए. आपने ऑयल को वापस अलग कर दिया थ्रू इवेपोरेशन. अब वो जो ऑयल अलग हो गया उसमें आप दोबारा से ऊपर से पानी मिलाओगे तो वो मिक्स नहीं होगा. फिर से यू हैव टू कैरी आउट द होल प्रोसेस अगेन. आपको फिर से एक स्टेबलाइजर डालना पड़ेगा, फिर से आपको फोर्सफुली वो एफिनिटी डेवलप करनी पड़ेगी. अगर आपने फेस और मीडियम को सेपरेट कर दिया तो एक सिंपल मिक्सिंग के थ्रू दोबारा से रीजनरेट नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इररिवर्सिबल कोलॉइड्स. और इसके एग्जांपल में आप ऑयल इन वाटर ही कंसिडर कर सकते हैं, ऑयल इन वाटर. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पहली क्लासिफिकेशन समझ में आई. क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स की एक फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती है. ये क्लासिफिकेशन तो हमें फेज और मीडियम के एफिनिटी को लेकर देगी, लेकिन इसमें से जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है ना, स्पेशली दीज लायोफोबिक कोलॉइड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. तो जो दूसरी क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं वो सिर्फ लायोफोबिक कोलॉइड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, लायोफिलिक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. देखिए, द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन चार्ज. Based upon
चार्ज, और ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन कर देते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज ओनली फॉर लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, किसी भी लायोफोबिक कोलॉइड में, इन एवरी लायोफोबिक कोलॉइड, द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। हर लायोफोबिक कोलॉइड में अगर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, या वाइस वर्सा, अगर फेस पे नेगेटिव है तो मीडियम पे पॉजिटिव होगा। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ये चार्ज कहां से आए, क्या ये चार्ज पहले से प्रेजेंट थे या बाद में डेवलप करे गए? डेफिनेटली ये चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि अगर पहले से फेस और मीडियम पे चार्जेस होते तो फिर तो वो उन्हें हम लायोफोबिक में कैटेगराइज ही नहीं करते ना, फिर तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिट चीजें अट्रैक्ट कर रही थी एक दूसरे को। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में पहले से ही चार्ज था तो फिर वो अपने आप ही मिक्स हो जाते ना, फिर हम उन्हें लायोफिलिक बोलते ना, फिर हम लायोफोबिक क्यों बोलते? तो देखिए, एज यू ऑल नो, लायोफोबिक कोलॉइड वो है जहां पे फेस और मीडियम में एफिनिटी नहीं। सपोज कीजिए ये ऑयल है हमारा फेस, ये वॉटर है हमारा मीडियम, एंड दे डू नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर ईच अदर। अब मैंने आपको बताया इन्होंने में एफिनिटी नहीं है, लेकिन वो एफिनिटी एक स्टेबलाइजर के थ्रू ऐड करी जा सकती है, डेवलप करी जा सकती है। तो सपोज करो हमने इसके अंदर, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दी, एनी इलेक्ट्रोलाइट ए बी, ये हमारा एक स्टेबलाइजर का काम कर रही है, स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करेगी ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आप इस मिक्सचर में ऐड करोगे ना, ऑयल वाटर मिक्सचर में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाती है, डिसोसिएट हो जाएगी ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव में, और इनमें से एक पर्टिकुलर आयन एडजॉर्ब हो जाएगा वाटर के सरफेस पे, दूसरा पर्टिकुलर आयन एडजॉर्ब हो जाएगा ऑयल के सरफेस पे, जिसकी वजह से ऑयल एंड वाटर अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे, और जैसे ही ऑयल और वाटर अपोजिटली चार्ज होंगे तो उनमें एक दूसरे के लिए एफिनिटी डेवलप हो जाएगी, और अब वो ऑयल मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑयल और वाटर अपने आप मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर आप सोप मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज सोप मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम स्टेरेट फॉर एग्जाम्पल, सोडियम स्टेरेट को जब आप पानी में मिलाते हो, सोप का एग्जाम्पल है सोडियम स्टेरेट, जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं तो C17H35COO नेगेटिव अलग हो जाता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है। अब इसमें से एक चीज वाटर में चली जाती है, एक चीज ऑयल में चली जाती है, ऑयल और वाटर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाती है और उनमें एक एफिनिटी डेवलप हो जाती है। तो देखिए, आप ये तो मानते हो ना कि हर लायोफोबिक कोलॉइड बिना स्टेबलाइजर के तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लायोफोबिक में फेज और मीडियम के बीच में एफिनिटी होती रही है, वी ऑलवेज नीड अ स्टेबलाइजर, और अगर आप हमेशा स्टेबलाइजर ऐड करोगे तो स्टेबलाइजर हमेशा ही दो आयन्स देगा, एक आयन फेज में चला जाएगा, एक मीडियम में चला जाएगा, और फेज और मीडियम अपोजिटली चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के लिए एफिनिटी डेवलप कर लेंगे। तो ये तो फैक्ट है कि हर लायोफोबिक कोलॉइड, क्योंकि स्टेबलाइजर डाल के ही बनाया जाता है, इसलिए हर लायोफोबिक कोलॉइड में फेज और मीडियम पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ओवर द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, की फेज पे कौन सा चार्ज है, उस बेसिस पे हम इन लायोफोबिक कोलॉइड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स, द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स, और दूसरे होते हैं द नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली क्लियर कर दूं कि व्हेन वी से कि अ कोलॉइड इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल कोलॉइडल मिक्सचर नेट पॉजिटिव है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो ओवरऑल कोलॉइडल मिक्सचर होगा वो तो न्यूट्रल होगा, लेकिन ये नाम हमने पॉजिटिवली चार्ज, ये नेम इस बेसिस पे दिया है कि फेज पे कौन सा चार्ज है। अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड इज द वन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर पॉजिटिव बट मीडियम इज इक्वल टू अपोजिटली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड के अंदर सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिव होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पे है उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल्स पे भी है। डिस्पर्शन मीडियम नेगेटिवली चार्ज होता है।
ओवरऑल कोलाइड न्यूट्रल ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ओवरऑल कोलाइड विल रिमेन न्यूट्रल, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑफ द फेस पार्टिकल्स हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन करी हुई है, सही है। सो दिस पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स आर द वन इन व्हिच द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द स्टेबलाइजर, एंड स्टेबलाइजर का जो नेगेटिव पार्ट था वो मीडियम में चला गया होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिए स्टूडेंट्स, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, FeOH थ्राइस सोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स होंगे जिनमें डिस्पर्स फेज नेगेटिव होगा लेकिन डिस्पर्शन मीडियम पॉजिटिव होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। ये स्टेबलाइजर में जो नेगेटिव आया गया वो आपके बार फेस पे आ गया तो फेस हो गया नेगेटिव, और स्टेबलाइजर का जो पॉजिटिव आया था वो मीडियम में चला गया तो मीडियम हो गया नेगेटिव, और उनमें फिर एक एफिनिटी डेवलप हो गई। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई है ये इस बेसिस पे कि फेस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स में फेस पे नेगेटिव और मीडियम पे पॉजिटिव होता है, और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखिए, As2S3 सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द सेकेंड क्लासिफिकेशन, बट एक्चुअली ये एक सब क्लासिफिकेशन है लायोफोबिक की। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम देखी, जिसमें हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप्स के क्लासिफाई करे। अब उसमें से जो लायोफोबिक थे वो फर्दर दो टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ओवर देयर फेस पार्टिकल्स। सो आई होप आप लोग को अब तक ये दो क्लासिफिकेशन समझ में आ गए। अब स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन लेफ्ट, अभी स्टिल एक क्लासिफिकेशन और बची है। इनिशियली आई थॉट कि मैं आज आपको तीनों क्लासिफिकेशंस करवा दूंगा, लेकिन अगेन द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्गर अगर मैंने वो थर्ड क्लासिफिकेशन भी इसी वीडियो में कवर करी। सो लेट्स डू दीज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस लेक्चर ओनली। जो रिमेनिंग थर्ड क्लासिफिकेशन है वो अपने आप में इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्लासिफिकेशन, सो तीसरी क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉन्टिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू।